Hi everyone, welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing great. So आज मैं अपनी बहन को लेके जाने वाली हूँ for date, coffee date. And मतलब ऐसे ही थोड़ा time pass के लिए, काफ़ी time से बाहर नहीं गए थे. मतलब बाहर जाते हैं बट ये है कि आना जाना ही साथ में होता है जब हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं. दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं है. मतलब भूल गए हैं बाहर घूमना फिरना. तो आज संडे है, आई थॉट मुझे बाहर लेके जाना चाहिए उसको. अब मतलब मैं लेके तो जा सकती हूँ वो भी, इसलिए सो वी आर गोइंग आउट. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. मेरा मिरर भी इतना गंदा हो रखा है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं इसको साफ करने का, मतलब कोलिंग इसे क्लीन करने का. फिर भी ये ऐसे का ऐसा ही है और मेरी शक्ल भी गंदी लग रही है अभी. सो अभी के लिए इतना ही, बाकी आई विल सी यू देयर. और ये वाला ड्रेस आई होप यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन ऑन माय प्रीवियस व्लॉग. जब एक बारी मम्मी के साथ बनाया था तो मम्मा ने ये पहना हुआ था, थोड़ा लूज भी हो गया है बट दैट्स ओके. सो गाइस डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है. दीदी के कपड़े मेरे कैमरे के सामने आ रहे हैं. हाँ, हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं बट नाउ अब निकलने के बाद हमने सोच लिया है, अबे सोच लिया कि हम कबीर टाउन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीद लेंगे. क्योंकि मेरा बहुत मन था वहाँ से बहुत टाइम से टी शर्ट्स वगैरह लेने का, तो शायद वहाँ जाके वो भी ले लेंगे. एंड बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि संडे है आज, तो सब आउटिंग पे हैं. आगे के ब्लॉग देखते रहो. योगिता कैसा लग रहा है आप मेरे साथ जा रहे हो आज? बहुत जा रहा है, गंदा है. हमारे सारे शीशे गंदे हो रखे, घर पे भी गंदा हो रखा है शीशा. बस गाइस मुझे फ्रूट्स खरीदने हैं बहुत सारे. गाइस दीदी को फ्रूट्स खरीदने हैं बहुत सारे और खाने नहीं है, सड़ाने हैं रख के. सड़ाने में गए हैं. हम जा रहे हैं यहाँ फेवरेट किचन जो कि है क्लेमेंट टाउन में अंदर बुद्धा टेम्पल साइड. सो या ये योगिता वॉलेट निकाल ला. मैं क्यों निकालूं? क्यों निकाल? डेट पे तो तू लाई है, मैं लाई हूँ तेरे को डेट पे. अबे तो फिर भी निकाल तो ले इमरजेंसी के लिए. नहीं नहीं कैसी है यार तू? भाई मैं क्यों दूँ पैसे? पैसे मैं दूंगी पर तू वॉलेट तो ले लेना. गाइस यहाँ पर एक वेज है, एक है नॉन वेज और एक है चिकन. नॉन वेज आते हैं हमारे पोर्क सॉरी बीफ में चिकन ये रहा, बीफ का ये बीफ है. अब देखो उसकी डॉक्टरों वाली राइटिंग. यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये लाइट बहुत पसंद है. हमारे पास स्पॉट लाइट सीधा हमारा बहुत सही आती है. वो तो हम लोग अच्छे नहीं लग रहे, नहीं तो मैं फ़ोटोज़ खींचती. मैं योगिता को आज एक छोटी सी सस्ती सी डेट पे लेके आई हूँ. अपनी औकात जितनी क्या अपनी औकात जितनी डेट पे लेके आई हूँ योगिता को. कोई और होता ना तेरी जगह मैं कभी नहीं लाती. मैं सिर्फ तेरे को लाई हूँ. मेरा मन कह रहा था बाहर आने का तो इसको यार चल थोड़ा सिर्फ तेरे को लाई है. ऐसे क्यों बता दी सबको मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं? मेरे पास बहुत ऑप्शन है ठीक है, वो मैं सबको बताती नहीं हूँ. मतलब धीरे धीरे करते ना सारी चीजें एकदम थोड़े सीधा सा सरप्राइज भी मिलेगा आपको सीधा आपकी शादी. क्या सीधा एक दिन भी आपका रिश्ता आपको शादी करनी पड़ेगी इससे आप शॉप मैं नहीं करूँगी जब तक मेरी बहन की नहीं होगी. मैं भी नहीं करूँगी जब तक मेरी बहन की नहीं होगी. ये तो बहुत प्यारी कर रही है. एक आइडिया है मेरे पास. क्या? चीज चलाओ आज बहुत अपसेट है इसलिए मुझे बाहर लेकर आई है.
मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ ना योगी ना अच्छी लग रही, क्योंकि हमने सडन प्लान मैंने से बोला कि चल बाहर जाए ऐसी लगती है। मैं थोड़ा सा मतलब टचअप कर लेती हूँ बट क्या बोलते हैं हरी चिली पनीर अब भाई यार ऐसे बना के कोई बात नहीं। सो गाइस दिस इज लैपिंग और ये योगिता को बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट हाँ मैं एक चीज़ खा सकती हूँ और ये हरी चिली पनीर। सो दिस इज हार्ड ये मुझे टाइम पास लगता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं बट टाइम पास है। जो खाओ मत मिला। सो गाइज नाउ वी आर डन। योगिता आपको कैसा लगा मेरे साथ आज? बढ़िया मज़ा आ गया। बढ़िया मज़ा आ गया, पैसे ख़त्म हो गए। नहीं मजाक कर रही हूँ, ये हमारी एक सस्ती, आई टुक माई सिस्टर आउट फॉर अ सस्ती डेट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। मतलब एक दो चीज़ें हम खरीदने वाले हैं, हम मतलब मैं ही खरीदूँगी, इसका पता नहीं अपने पैसों से लेगी कि नहीं लेगी। दिलाएगी मुझे, मैं दिलाऊंगी, मैं तो नहीं दिलाने वाली हूँ। है वो शॉप जहाँ से मैं अपने लिए अभी टी शर्ट्स लेने वाली हूँ, इसका नाम है टी गागा टी ओ सॉरी टीजे हाउस। यहाँ पे वैसे मेनली बॉयज़ के ही मिलते हैं बट बॉयज़ का ही है, गर्ल्स का स्टोर आगे आगे है बट मैं बॉयज़ की लेने वाली हूँ शर्ट टी शर्ट। के बैग्स भी हैं, योर गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन बाय बट वही एक्सपेंसिव है बट अच्छे हैं। और ये कैजुअल वाला है थ्री फोर हंड्रेड सही लग रहा है कलर। टाइम पास के लिए टाइम पास का प्राइस है इसका टाइम पास प्राइस कितने का है ये? 1050 का है। सो गाइस शॉपिंग कर ली है, खा लिया है, डेट वेट सब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लाइट्स की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी अपन लोगों ने ये टी शर्ट वगैरह ले लिया है। दो तीन शॉप्स में और गए थे देखने के लिए बट पसंद कुछ नहीं आया। सो या आज का दिन तो नहीं मतलब शाम थोड़ी सही चली गई है, नहीं तो मैं घर पर पागल हो जाती थी। और मैं अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।